खबर रीवा से है, जहां विश्वकर्मा समाज के द्वारा एक दिवसीय श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में किया गया, जहां के प्राचार्य ने सभी श्रमदान करने वालों का आभार व्यक्त किया। वहीं संगठन के लोगों ने कहा कि विगत 10 वर्षों से उनके द्वारा निःशुल्क एक दिवसीय श्रमदान अलग अलग शासकीय कार्यालय छात्रावास स्कूल में किया जाता है। संगठन के लोगों के द्वारा टूटे फूटे कुर्सी टेबल खिड़की दरवाजे सहित अन्य वस्तुओं की मरम्मत की गई है। आइए दिखाते हैं विश्वकर्मा समाज के द्वारा किया जा रहा उत्कृष्ट कार्य और सुनाते हैं छात्रावास के प्रिंसिपल और संगठन के लोगों ने पूरे श्रमदान को लेकर क्या कहा है। पाठी अधीक्षिका उत्कृष्ट कन्या छात्रावास रीवा, सबसे पहले तो हम अपने भाइयों को विश्वकर्मा बंधुओं को सादर ओम श्री विश्वकर्मा विकास परिषद जिला इकाई, जिन्होंने आज श्रमदान के माध्यम से हमारे छात्रावास में काम किया और जितनी भी टूट फूट थी उसको सही अवस्था में ले आए, उसके लिए मैं हृदय से इनका सादर धन्यवाद करती हूँ एवं हमारे कलेक्टर महोदय जी का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से ये हमारे पास आए और इन्होंने हमारे छात्रावास में आकर श्रमदान किया। किस तरह नाम है और क्या करते हैं? मेरा नाम मनोज विश्वकर्मा। आज ये एक दिवसीय श्रमदान रखा गया है ओम श्री विश्वकर्मा विकास परिषद भारत जिला इकाई रीवा, आज उसी के तत्वाधान में ये उत्कृष्ट छात्रावास में ये कार्यक्रम रखा गया है। ये हमारे समाज के जितने भी कारीगर भाई होते हैं वो एक दिन का अपना श्रमदान करते हैं, उसका कोई कष्ट नहीं होता और ये लगातार ही हमारा 10 साल से आज कार्यक्रम चला आ रहा है। ये जितने सरकारी संस्थान होते हैं हम लोग वहाँ पर ये कार्यक्रम किया करते हैं और जो जिला अध्यक्ष मतलब जो हमारे यहाँ के जिला कलेक्टर होते हैं उनके आदेशानुसार जहाँ उनका आदेश होता है वहाँ हम लोग एक दिवसीय श्रमदान करते हैं। कितने लोग हैं आपके? ये हमारे 60 लोग हैं और ये हम कई बार मुखबधिर विद्यालय में भी कर चुके हैं और ये ओम श्री विश्वकर्मा विकास परिषद भारत और साप्ताहिक मीटिंग भी करता है, लगातार ये सप्ताह की और वार्ड बाई वार्ड मीटिंग करते हैं, वहाँ अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने समाज में जोड़ने के लिए लोगों से विनय करते रहते हैं और अपने जो भी कारीगरों की जो समस्याएं होती है उसको सुनने के लिए हम लोग वार्ड बाई वार्ड मीटिंग करते हैं। नाम बताइए। मनोज विश्वकर्मा, ओम श्री विश्वकर्मा विकास परिषद भारत जिला इकाई रीवा। हमारा डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, प्रिंसिपल शासकीय कन्या शिक्षा परिषद रीवा। आप लोगों के द्वारा हमारे शासकीय उत्कृष्ट सीनियर कन्या छात्रावास रीवा में एक दिन के श्रमदान के लिए विश्वकर्मा समाज जो हमारे इस छात्रावास में आए हैं, हमारे इस संस्था की अधीक्षिका मैम श्रीमती रीता त्रिपाठी जी एवं प्राचार्य शासकीय कन्या शिक्षा परिषद रीवा आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अपने छात्रावास की जितनी भी खिड़कियाँ दरवाजे चेयर्स इनमें जो भी टूट फूट या जो भी मरम्मत करने योग्य हैं आपके द्वारा एक दिवसीय श्रमदान दिया जा रहा है, जो आज के समय में अत्यंत ही कठिन कार्य है। आज की इस भागदौड़ की दुनिया में, इस व्यस्ततम दुनिया में आपके द्वारा एक दिन का श्रमदान दिया जा रहा है। ईश्वर आप सभी को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहे, ही मेरी ईश्वर से कामना है और धन्यवाद।